ज्ञानतिमिरां दश्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भावभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदाय साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता इस संसार के लिए एक भगवान की ओर से गिफ्ट है, पुरस्कार है। खुश होकर जो भगवान ने पुरस्कार दिया है, करुणा दया से दीनदयाल ने हम दीनों के ऊपर कृपा की है कि हमको आत्मज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान मिले। इसलिए अर्जुन के माध्यम से ये परम ज्ञान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम, ये परम विद्या गोपनीय गुप्त खजाना हमको दिया है। इस विद्या को पाकर के आदमी परम सुखी हो सकता है और ये विद्या को न जानने वाला इस संसार में भटकता है, बार बार जन्म मरण जरा व्याधियों में भ्रमण करता है, घूमता है, कभी मनुष्य बनकर, कभी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली बनकर। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बॉडीज ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ज्ञान जिसको नहीं है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह शरीरों को बदलती है अपने कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर, रूपवान शरीर, बलवान शरीर, बुद्धिमान शरीर मिलेगा, अच्छा ब्रेन मिलेगा, अच्छे माता पिता, अच्छा घर मिलेगा, राजघराने मिलेंगे, ऊंचे कुल मिलेंगे, ऊंचे लोक मिलेंगे। कर्मों से भगवान मिलते हैं और कर्मों से ही शैतान मिलते हैं, कर्मों से स्वर्ग मिलते हैं, कर्मों से ही नरक मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्मों का खेल है, अज्ञानता में कर्म अच्छे नहीं होते, पाप कर्म बनते हैं। अहंकारता में सारे पाप होते हैं, ज्ञान जिसको होता है वो पापों से बचता है,
आत्मज्ञान जिसको होता है वो पापों को, पापों की महिमा को, पापों के रहस्य को पूरी तरह जानते हुए वो ही कर्म करता है जिससे उसकी भक्ति में प्रबलता आए, भक्ति बढ़े, दिन प्रतिदिन नव नूतन होती जाए और उस भगवान को रिझाले। कर्म का बड़ा खेल है। शूद्र भी भगवान की शरण ले तो उनको प्राप्त कर लेता है, वैश्या भी भगवान की शरण ले तो उनको प्राप्त कर लेती है। हम सभी जन्म से शूद्र होते हैं, कर्म ही तो प्रधान है और कर्म होता है गुणों के अनुसार। किन गुणों में आपने जन्म लिया है? तमोगुणी माता पिताओं के घर में आए तो आपके पिछले कर्म ऐसे ही थे कि आपको तमोगुणी माता पिता मिले जो जन्म लेते ही पाप कार्यों में रत। जैसे ही आप जन्म लिया, आपके माता पिताओं ने आपको बराबर ज्ञान दिया नहीं, क्यों? उनको ज्ञान नहीं है तो आपको कैसे दें? खाना पीना भी नहीं सिखाया। जैसे बच्चे, छोटा बच्चा होता है, हाथ में कोई चीज हो उसके में खाने की और गिर जाए कहीं गंदी जमीन पे, उसको भी उठा के फिर मुंह में देने लगता है। ज्ञान नहीं है, इसीलिए ना अज्ञान है। लेकिन माँ देख लेती है, तुरंत फटकारती है, हटाती है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ 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 छोड़। कितनी भी कीमती वस्तु हाथ में हो खाने की, माँ फिकवा देती है, फेंक देती है कि नहीं चल हाथ धो, और ताजा चीज देती है। तो माँ को भी ज्ञान नहीं है, पिता को भी ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको भी वही खान पान का भी ध्यान नहीं है कि क्या खाना है, तो माता पिता जो खिलाएंगे खाना पड़ता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो बड़ा होने पर तो ज्ञान होने लगता है, या कोई सत्संग में जाने से ज्ञान होने लगता है। तो एक शूद्र भी, एक वर्कर भी और ऊंचे पद पर जा सकता है, एक भगवान का भक्त बन सकता है, और ऐसा भक्त जो संसार उसके पांव छुए, सर पे बिठाए। क्या वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी तो चांडाल जाति में थे, बड़े हिंसक थे, बड़ी हिंसाएं करते थे, लेकिन नारद जी उनके गुरु, उनकी कृपा से वो ऐसे परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के अवतरित होने से पहले ही पूरी रामायण लिख के रख दी कि दशरथ अयोध्या के राजा होंगे, उनके तीन रानियां होंगी, उनसे चार कुमार होंगे, उनमें सबसे बड़े राम होंगे, वो स्वयं परमेश्वर के अवतार होंगे, उनसे छोटे लक्ष्मण होंगे जो शेषनाग जी के अवतार होंगे, बलराम जी के, मूल शंकरषण के, फिर चरत भरत होंगे, वो भी उनके अंशों से अवतार होंगे, पार्टली इनकार्नेशन होंगे। ये चारों ही अवतार हुए भगवान के, राम लखन भरत शत्रुघ्न। वाल्मीकि जी ने लिखा तो संसार आज भी, वो त्रेता युग से की बात है, आज लाखों वर्ष चले गए फिर भी वाल्मीकि जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वाल्मीकि जी रामायण को ही बड़े सम्मान से, आदर से पढ़ा जाता है। तुलसीदास जी की रामायण तो अभी आई है 500 वर्ष पहले, और वाल्मीकि जी की रामायण जितनी प्रमाणित है, तुलसीदास जी की इतनी नहीं है। बहुत सी संप्रदाय तुलसीदास जी की रामायण को नहीं पढ़ती, वाल्मीकि जी रामायण को पढ़ती है, वो ओरिजिनल रामायण है। तुलसीदास जी महान कवि थे, महान भक्त भी थे, लेकिन कहीं कहीं लोग कहते हैं, संत लोग, कोई कोई चौपाइयों में उन्होंने कुछ कमियां छोड़ी हैं, कमियां भी हैं, हो सकती है, मुझे पूरी तरह मालूम नहीं है। मैंने पढ़ा है, 9 बार मैंने तुलसीदास जी की रामायण का पठन किया है एकांत में, और बार बार फिर पाठ किए हैं, मनन किया है। मैं जानता हूं तुलसीदास जी की रामायण को, बहुत आदर देता हूं, सम्मान देता हूं,
मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम सभी शूद्र जन्म लेते हैं जन्म से, लेकिन अपने कर्मों से हम आगे पीछे हो सकते हैं। एक शूद्र भी ब्राह्मण का पद ब्राह्मण बन सकता है अपनी ब्राह्मण की क्वालिटीज पैदा करने पर इसी जन्म में। वो भी एक क्षत्रिय बन सकता है एक वीरता और वीर हृदय लेकर के, वो भी मिलिट्री में सेनापति बन सकता है, जनरल कर्नल बन सकता है, बने हुए हैं। तो ये नहीं कि वो नहीं जन्म से, तो अगर कोई ब्राह्मण के घर में भी वो भी शूद्री पैदा होता है, लेकिन माता पिता ब्राह्मण होते हैं, अगर अच्छे माता पिता हैं तो ब्राह्मण का संस्कार डालते हैं, क्षत्रिय होता है क्षत्रिय का संस्कार डालते हैं। लेकिन कोई भी उस भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरे आश्रम में आकर के एक वैश्या भी मुझे प्राप्त कर लेती है, मेरे शेल्टर में आकर के सरेंडर अन टू माई लोटस फीट, वन कैन अचीव मी, वन कैन प्लीज मी। थैंक यू सो मच। जय गोपाल। जय गोपाल। और भी मैं इस विषय में कहना चाहता हूं शरणागति के विषय में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्यो ये अपि शुभ पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। ये भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं मेरी मेरे आश्रम आने पर, मेरे शेल्टर में, कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, और मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपके संतों का आपके भक्तों का प्रेम चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, उनके भक्तों का आदर करना, उनकी शरण में जाना, सत्संग का पान करना, गीता भागवत का पठन करना, सही शास्त्रों का पठन करना, सत्पुरुषों की सेवा करना, भगवान को रिझाना, उनको फूल चढ़ाना, जल अर्पण करना, ये सभी शरणागति के भाव हैं। उनको प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना, उनके संतों के चरण स्पर्श करना, संत की महिमा। मामी पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, मेरे आश्रम में यदि कोई चांडाल भी, पापिष्ट आदमी भी, पापिष्ट कुल में जन्म लिया हुआ पापिष्ट भी यदि मेरा सहारा ले लेता है, कोई वैश्या गिरी हुई स्त्री, धंधा करने वाली वैश्या, शरीर बेचने वाली वैश्या, कोई क्षुद्रमती व्यक्ति जो तमोगुण में है, अज्ञान में है, अंधकार में है, वो भी यदि मेरी शरण ले तो वो भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये नहीं कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय शरण लेगा तो उनका ही कल्याण होगा। और भगवान कहते हैं कि जो जहां पर है उसी कर्म को करते हुए भी मुझे प्रसन्न कर सकता है। यदि अपना कर्म नहीं छोड़ा जाए, बिजनेसमैन से अपना कर्म नहीं छोड़ा जाए तो छोड़, भगवान छुड़ाते नहीं। जितना भी बिजनेस फैला रखा है उस बिजनेस को संभालते हुए, उस बिजनेस में ही ऐसा भक्ति भाव से करते हुए मुझे प्रसन्न कर सकता है, मेडिटेटिवली कंसंट्रेटिवली उसको सच्चाई से उस व्यापार को करते हुए, ईमानदारी से उस व्यापार को करते हुए मुझे प्रसन्न कर सकता है, मेरा भजन कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, अपने में निखार पैदा कर सकता है। एक जूते बनाने वाला जूते बनाते बनाते उस पवित्रता को प्राप्त कर सकता है जो मुझे प्रसन्न कर लेती है, वो भी मुझे
प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखिए शब्द वैश्या और वैश्य, वैश्य कहते हैं बिजनेसमैन को, और वैश्या किसको कहते हैं, वैश्या भी बिजनेसमैन को कहते हैं, धंधा करने वाली। ये सिर्फ मात्रा का फर्क है कि नर और नारी, मात्रा का फर्क कर दिया है तो नारी पहचानते ये नारी है ये नर है। वैश्य यानी धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला, और वैश्या बिजनेस करने वाले। बड़े कोई वैश्य भाई बुरा नहीं माने, ये तो बिजनेस से है, लेकिन ये तो चमड़ी का धंधा करती है, ये तो शरीर का धंधा करती है, अपने शरीर को बेचती है, इसलिए वैश्या कहा। लेकिन वैश्य बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, गऊ पालते हैं, क्रय विक्रय, समाज को सब्जी उपलब्ध कराते हैं, गेहूं चावल उपलब्ध कराते हैं, बादाम उपलब्ध कराते हैं, दाग छुआरे किशमिश इत्यादि, ये बिजनेसमैन है वैश्य। शब्द की बात बोली मैंने, तो कोई भी हो भगवान की जो शरण ले लेता है वो उसको परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये बच्चे की तरह जब अज्ञानता होती है, अंधकार होता है आंखों के सामने, बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है, तो ये कुछ भी कर जाता है, उपद्रव कर देता है, कुएं में गिरने को उसको पता नहीं कुआ है मर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना प्रत्येक जीव के लिए खुला हुआ है, उसका दरबार सभी के लिए खुला हुआ है, चांडाल के लिए भी खुला हुआ है, अज्ञानी के लिए भी खुला हुआ है, जो बड़े स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी पीएचडी की डिग्री लिए हुए हैं, बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको कोई आत्मज्ञान नहीं है, एक शरीर का ज्ञान है, वो सबके लिए खुला है। जिसको शरीर का ज्ञान है, चाहे वो डॉक्टर ही हो, उसको 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 ही तो चर्मकार कहा है, उसी को तो चमार कहा है, चमार किसी और को नहीं कहा। जिसको चमड़ी, जिसको देह का ज्ञान है, चमड़ी का ज्ञान है कि ये मेरी मेरे शरीर खड़े, ये मेरा शरीर है, देहात्मक बुद्धि है, उसको तो अष्टावक्र जी चमार कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण कुल में हो, राजपूत में हो, नहीं, जिसको आत्मज्ञान है उसको ही विद्वान कहा है, उसको ही पंडिता कहा है भगवान ने। जिसको आत्मज्ञान है वही कबीर है, वही गुरु नानक है, वही रविदास है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही प्रभुपाद है, वही सच्चे ब्राह्मण है, जो ब्रह्म वेत्ता, जिन्होंने उस ब्रह्म की पहचान कर ली है, उस पर ब्रह्म की पहचान जिनको हो गई है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उदय हो गया, उनको तो ब्राह्मण कहा है। वो फर्स्ट श्रेणी के ब्राह्मण है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है। ब्राह्मण भी चार प्रकार के वेदों में कहे हैं, इनकी भी श्रेणी है, क्षत्रियों की भी श्रेणी है, ये भी चार प्रकार के, वैश्यों की भी श्रेणी है, ऐसे ब्रह्मचारी भी चार प्रकार के हैं, सन्यासी भी चार प्रकार के हैं, वानप्रस्थी भी चार प्रकार के हैं, गृहस्थी भी चार प्रकार के हैं, ये वेदों में इनका उल्लेख है। इनकी भी क्वालिटीज है, ए बी सी डी, डी कैटेगरी के ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण घर में तो जन्म ले लिया लेकिन कर्म तो बहुत गिरे हुए कर रहे हैं, तो डी वो ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण नहीं है एक्चुअली में, वो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं वो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं। फिर सी श्रेणी के हैं, ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया लेकिन कोई भी नौकरी पैसा मिल जाए कर लेते हैं, बेचारे गुजारा करते हैं अपने परिवार का टाई वाई लगा के। फिर डी श्रेणी के हैं, कुछ कर्मकांड सीख लिया है परिवार चलाने के लिए, कहीं घंटी बजा देते हैं, थोड़ी आरती उतारते हैं, पैसा मिल जाता है, तनख्वाह मिल जाती है, कुछ ज्ञान भी है उनको, संस्कृत भी पढ़ा है, शास्त्र भी पढ़े हैं, ज्ञान है, ये बी श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन ए श्रेणी का ब्राह्मण तो वो ही है
जिसको उस प्रभु का ज्ञान है, उसको तत्व से पहचान गया है, आत्मा का साक्षात्कार जिसने कर लिया है, जो दृष्टा की तरह से ये हर वस्तु को समझता है, दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह कि ये वो भगवान की लीला हो रही है, साक्षी की तरह कि ये फूल कौन खिला रहा है, ये बारिश कौन बरसा रहा है, साक्षी की तरह इस उसकी सृष्टि को देख रहा है, उसके अंशों को देख रहा है, उस अंशी को जानता है, उस अंशी की लीलाओं को जानता है, उस परम पुरुष की लीलाओं को पहचानता है, वो फर्स्ट श्रेणी का ब्राह्मण है। तो वही उसके परम हंस है, वही प्रकाश में संत है, वही उसके परम भक्त हैं, वही उसके प्रिय हैं, वही ज्ञानी महात्मा है। तेसाम ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्तों में भी ज्ञानी भक्त उसके भगवान के अति प्रिय हैं। तेसाम ज्ञानी अत्यर्थम, अति अर्थों में उस ज्ञानी भक्त का मैं बहुत प्रिय हूं और मेरा भी वो अधिक अधिक प्रिय है। ज्ञानी भक्त जिसको ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान है, तत्व से मुझ कृष्ण को, मुझ वासुदेव को, मुझ परम पुरुष को पहचानता है। तो ये भगवान जो है ये नहीं कहते कि आप मेरे भक्त बन जाओ, लाल कपड़े पहन लो, सन्यासी बनना ही जरूरी है। नहीं, आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में ही उनकी प्राप्ति कीजिए, और आप ब्रह्मचर्य को पूरी जीवन साध सकते हैं, बड़ी कठिनता है, साध सकते हैं, इतनी हिम्मत है, तो ब्रह्मचर्य में भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। सन्यास मार्ग भी बड़ा कठिन है। चैतन्य महाप्रभु जी ने 24 वर्ष में सन्यास ले लिया, आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष में सन्यास ले लिया। बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन कोई साध सकता है, साधना कर सकता है, तो सन्यासी को भी उसकी प्राप्ति है। गृहस्थी में भी बड़ी कलेश, बड़े रिश्तेदारी और अपने का, मैं मेरे का बड़ा वो है, बड़ी उलझने हैं, लेकिन कोई सुलझ सके तो गृहस्थी में भी प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। मां कहती थी, अरे नानग्या, सारा गांव सो गया, सो जा, आधी रात ढल रही है। अरे मैया, कैसे सो जाऊं, देख वो वृक्ष की डाल पे बैठा हुआ एक छोटा सा पपैया अपने पिया को पुकार रहा है, पीहू पीहू पीहू। अरे मैया, ये छोटा सा पक्षी भी अपने पिया को पुकार रहा है, तो मैं क्यों नहीं मेरे पिया को पुकारूं। तो गुरु नानक जी 8 वर्ष की छोटी उम्र में ही भगवान के भजन गाते थे, शब्द गाते थे, उस प्रभु को रिझाते थे, प्रभु के ही अवतार हैं, प्रभु को ही रिझाने लगे हैं। नारद जी भी प्रभु के अवतार हैं, प्रभु को ही वीणा पे उसी का गान करते हैं, उसी गोविंद का भजन करते हैं, वही गोविंद का भजन गुरु नानक जी कर, हर हर नाम जपंत्या किछु न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। वो प्रभु का भजन कर रहे हैं। नामदेव महाराज, त्रिलोचन भक्त, धन्ना भक्त, किन किन का नाम लोगे, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये भगवान के परम भक्त हैं, ये भगवान के हृदय हैं, ये भगवान के मुख हैं। यदि भगवान बोलते हैं तो इनके मुख से बोलते हैं, ये परम सत्य वाणी होती है इनके मुख से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाइयों, आप जहां भी हैं, बहनों, यदि आप किचन में भी हैं, अपने बच्चों का भी पालन पोषण करने में लगी हैं, वहीं पर उस प्रभु को प्रसन्न कर सकती हैं। कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं है, ना गृहस्थी को बाधा है, ना वानप्रस्थी को है, ना सन्यासी को है। और ये मत समझना कि आपके हाथ में कुछ है, नहीं, उस प्रभु के हाथ में है। ये गृहस्थी का जीवन देना या वानप्रस्थी का जीवन देना या सन्यासी का, सभी लोग वानप्रस्थी नहीं होते, मर जाते हैं जवान अवस्था में। ये सन्यासी का जीवन देना, ये बुढ़ापा देना, ये 100 वर्ष की उम्र देना या 2 वर्ष की उम्र देना, उसका खेल है। इसलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, मैं हूं परम पुरुष को दासा, जग देखण आयो तमाशा। अरे भाई, मैं तो परमेश्वर का दास हूं, ये संसार में जो तमाशा हो रहा है, ये खेल हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, कैसे लोग भाग रहे हैं, है? माया के पीछे कैसे नाचते हैं, है? नाचत है, कैसे नचत है, माया के पीछे नर नाचता है, माया माया, दौलत दौलत, रूप रूप, भाग रहे हैं। ये सब तमाशा चल रहा है, लीला चल रही है, ये तमाशा ड्रामा। देखिए आप तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और बंबई में रहो, दिल्ली में रहो, कहीं भी रहो, ये तमाशा देखो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं तो ये तमाशा देखने आया हूं, मुझे क्या लेना देना है संसार से। जय गोपाल।